और इस वक्त की बड़ी खबर, सुपुर्द खाक किए गए दिलीप कुमार। सांता क्रूज में हुआ दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। अमिताभ बच्चन ने भी दिलीप कुमार को दी अंतिम विदाई। दिलीप कुमार को आज समाज के हर वर्ग की तरफ से याद किया जा रहा है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हुआ, जिसके बाद उन्हें सांता क्रूज के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका जनाजा घर से निकला। अमिताभ बच्चन भी कब्रिस्तान तक पहुंचे थे सुपुर्द खाक जिस वक्त किया जा रहा था दिलीप कुमार को, उसमें शिरकत करने के लिए। दिलीप कुमार का जनाजा उनके घर से जब निकला तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है, लेकिन एक लेजेंड, एक ऐसा नाम जिस को हमेशा हिंदी सिनेमा जगत में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखा जाएगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।